हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा रेडमी 13 5G फ़ोन है, तो रेडमी 13 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में आप लाइव वॉलपेपर्स को कैसे आप हटा पाएंगे और कैसे रिमूव कर सकते हैं इस लाइव वॉलपेपर्स को रेडमी फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि लाइव वॉलपेपर्स को आप कैसे हटा सकते हैं और कैसे रिमूव कर सकते हैं रेडमी फ़ोन में, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइकन शो करें, इसमें स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर लाइव वॉलपेपर्स को अपने फ़ोन पर हटा सकते हैं। सिंपली इसके लिए सिंपली आपको सेटिंग्स पर जाना होगा, तो जाकर आप लाइव वॉलपेपर्स को आप हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। देख सकते हैं कि सेटिंग शो हो रही है, जिस पर जाकर लाइव वॉलपेपर्स को आप हटा सकते हैं। सिंपली आपको वॉलपेपर सेटिंग पे जाना है, क्लिक करते हुए वॉलपेपर सेटिंग से ओपन हो जाएगी, इस पर जाकर लाइव वॉलपेपर्स को आप हटा सकते हैं। सिंपली आपको जाना है यहाँ से मोर, फाइंड मोर पे, फिर आपको जैसे बैक करना है, इसमें से बैक करते ही जैसे लाइव वॉलपेपर्स लगा हुआ है तो आप उसको हटाना चाहते हैं, तो सिंपली बस आपको यहाँ से कोई भी एक वॉलपेपर सेलेक्ट कर लेना है, तो इसको आप लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे तो लाइव वॉलपेपर सा स्क्रीन पे हट जाएगा और कोई दूसरा वॉलपेपर आपके स्क्रीन पे लग जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं बैक करते हैं तो लाइव वॉलपेपर हट चुका है। तो इस तरीके से लाइव वॉलपेपर्स को आप हटा सकते हैं अपने रेडमी फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।